तो नाउ स्टूडेंट्स, हम अभी Magento का जो लेटेस्ट वर्जन है Magento 2 उसको हम डाउनलोड करते हैं और अपने लोकल पीसी के ऊपर हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू रन के उसकी एडमिन साइड यानी जो स्टोर का ओनर है और जो क्लाइंट साइड है यानी मैं और आप फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन एक्सेस इट। अब यहाँ पे लोकल होस्ट से मुराद ये है मेरी कि आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर, यानी मैंने अभी इसको किसी डोमेन नेम से मैप नहीं किया, यानी ये अभी बाकी तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, आपके अपने कंप्यूटर पे ये एक्सेसिबल होगा। अब Magento को यूज़ करने के लिए आपको XAMPP जो है वो आपके लोकल पीसी पे इंस्टॉल होना चाहिए और चल रहा होना चाहिए। जो हमने इससे पहले देखा था XAMPP को चलाने का तरीका, डाउनलोड करने का तरीका और कॉन्फ़िगर करने का तरीका, वो बिल्कुल वही है। नाउ दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे अब हम XAMPP को यूज़ करेंगे Magento की इंस्टॉलेशन करते वक्त। सो लेट्स ट्राई टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Magento ऑन लोकल पीसी। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस URL के ऊपर जाएंगे magento.com/text-resources/download। अब यहाँ पे जाके आप डाउनलोड करेंगे। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का फोल्डर Magento-ce का फोल्डर आपके डाउनलोड में आ जाएगा। वहाँ से इसको कॉपी करें, यानी पहला स्टेप ये है कि आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद C में जाना है, XAMPP के फोल्डर में जाएं, XAMPP के फोल्डर में htdocs का जो फोल्डर है उसमें जाएं, Magento के फोल्डर में जाएं और यहाँ पे आके इसको अनजिप कर दें। मैंने इसको पहले ही अनजिप किया हुआ है। तो Magento के फोल्डर में आपके ये सारी की सारी इंस्टॉलेशंस यानी ये ऐप, बिन, डेव, ये सारे फोल्डर आपके पीसी में यहाँ पे बन जाएंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अनजिप किया हुआ था तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये फोल्डर दिखा रहा है। ये चीज़ करने के बाद लोकल होस्ट पे आना है। लोकल होस्ट को चला के देखें कि आपका XAMPP चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये वही चीज़ है जो हमने पहले देखी थी कि XAMPP चल रहा है। उसके बाद अब आपने इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आप localhost/Magento लिखेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। जैसे ही आप Magento लिखेंगे, यू हैव टू एग्री एंड सेटअप Magento, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें पहला स्टेप है स्टार्ट रेडीनेस चेक। स्टार्ट रेडीनेस चेक से मुराद ये होती है कि आपका वो ये वेरीफाई करेगा कि आपके पीसी के ऊपर phpMySQL इंस्टॉल हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ सही तरीके से। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके XAMPP सही इंस्टॉल हुआ हुआ है तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे अगर कंप्लीटेड पर टिक हो जाता है इसका मतलब है एवरीथिंग इज़ फाइन। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएं। अब ये आपको कहेगा कि जी आप अपने डेटाबेस का नाम लिखें जो आपका लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट से मुराद आपका पीसी। जो आपका डेटाबेस सर्वर है वहाँ पे उसका जो यूज़र नेम है वो रूट है, मैंने पासवर्ड नहीं रखा हुआ। यहाँ पे अब आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है Magento के नाम की, या जो मर्जी नाम रख लें, मैंने Magento रखा हुआ था। अब ये आप कैसे क्रिएट करेंगे? सो नाउ स्टूडेंट्स, इस स्टेज के ऊपर आप अपने लोकल होस्ट पे जाएं। लोकल होस्ट आप सिंपल लिखें, अगर XAMPP चल रहा है तो आप phpMyAdmin में जाएंगे बिकॉज अब आपने नया डेटाबेस क्रिएट करना है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी Magento नाम का डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। आपने अगर नहीं किया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, डेटाबेस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम लिखें, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में Magento का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये स्टेप करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो वेब कॉन्फ़िगरेशन आपको कर देगा। ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रीज़न कि जो ये योर स्टोर एड्रेस लिखा हुआ है 127.0.0.1/Magento, 127.0.0.1 से मुराद होती है लोकल होस्ट। ये आपके पीसी का IP एड्रेस है। जो हमने इससे पहले जो हमने IP एड्रेस देखे थे और ये हमने देखा था डोमेन कैसे रिजॉल्व करते हैं अपने आपको IP एड्रेस के ऊपर, ये वो IP एड्रेस है। तो या लोकल होस्ट लिख लें या 127.0.0.1 लिख लें /Magento। ये एड्रेस आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपका Magento एक्सेस हो जाएगा। ये होगी क्लाइंट साइड, यानी मैं और आप हम शॉपिंग कर सकते हैं। जो इसकी एडमिन साइड है वो आपका Magento/admin_dd23nk, आप इसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं। तो आपने इसको कहीं अब लिख के नोट कर लीजिएगा। मैंने नोटपैड में स्टोर किया हुआ है, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपने सिर्फ नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स हैं। आप स्टोर का टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट करेंसी इसकी US डॉलर होती है। मैंने PKR कर दी है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो यू कैन प्ले अराउंड विद कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन में क्लिक करना है और उसके बाद आपने एडमिन अकाउंट क्रिएट करना है। अब ये आपने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम मैंने एडमिन रखा हुआ है, वैलिड ईमेल एड्रेस दें और यहाँ पे कोई पासवर्ड रख लें। ये वो यूज़र नेम पासवर्ड है जिसके थ्रू आपने इंस्टॉलेशन के बाद Magento पे एज अ ओनर, एज अ एडमिन, Magento का एडमिन आपने लॉगिन करना है, तो इसको आपने कहीं स्टोर कर लेना। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल नाउ का बटन आ जाएगा। इंस्टॉल नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, डिपेंड करता है आपकी मशीन के स्पेक के ऊपर। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो अगर ये स्क्रीन आपके सामने आ जाती है 127.0.0.0.1 Magento, इससे मुराद है कि अब आप सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। जो ये Magento एडमिन है, अगर ये स्क्रीन आ जाती है, इससे मुराद ये है कि ये ऊपर आपको सक्सेस का मैसेज आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने लोकल अपने कंप्यूटर के ऊपर आपने सक्सेसफुली Magento का एडमिन पैनल एंड क्लाइंट साइड सक्सेसफुली इंस्टॉल आपने कर ली है।